नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों इटोरीकॉक्सिब टैबलेट के बारे में। इटोरीकॉक्सिब बहुत ही काम की टैबलेट है। इस वीडियो को पूरा देखें, बताएंगे कि भाई इटोरीकॉक्सिब मेडिकल स्टोर पे किस नाम से मिलती है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे भाई ये इटोरीकॉक्सिब आखिरकार है क्या, इसके यूजेस क्या हैं, कैसे और कितना डोज सही मात्रा कितनी लेनी है आपको, इसके साइड इफेक्ट क्या आते हैं, इसको लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही भैया जो लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये जो इटोरीकॉक्सिब टैबलेट है ये मेडिकल स्टोर पर आपको किस नाम से मिलती है। तो दोस्तों ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे कि इंटाकॉक्सिया टैबलेट, ईटोसाइन टैबलेट, ब्रूटाफ्लैम टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। बात करें दोस्तों एमआरपी के बारे में तो इसकी जो 90 मिलीग्राम वाली टैबलेट है वो तकरीबन जो है 15 रुपये पर टैबलेट के हिसाब से आपको मिल जाती है। ये रेट कम ज़्यादा भी हो सकता है। दोस्तों बात करें कि भाई ये जो इटोरीकॉक्सिब है ये आखिरकार है क्या, तो दोस्तों ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास की ड्रग है जिसको शॉर्ट फॉर्म में NSAID भी बोला जाता है। अगर बात करें दोस्तों तो ये दवाई आपके शरीर में दर्द और सूजन को कम करके अपना काम करती है। बात करें दोस्तों कि भाई किस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है, तो जो सबसे पहली कंडीशन है वह है दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दोस्तों इसका उपयोग होता है। ये एक जोड़ों से संबंधित बीमारी होती है जिसको गठिया भी कहते हैं। इसमें जोड़ों में व्यक्ति के बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चलने उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वहाँ पर सूजन आ जाती है, तब इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें क्या होता है हाथों गर्दन और पीठ के निचले हिस्सों में दोस्तों और घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, साथ ही साथ जोड़ों में उसके बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तब इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें क्या होता है जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो लचीलापन होता है वो कम हो जाता है। और दोस्तों इस लचीलेपन के कम होने के कारण व्यक्ति जो है आगे की तरफ झुक नहीं पाता है, तो दोस्तों पीठ और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, तब इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो उपयोग है वो दोस्तों एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस, इसमें भी क्या होता है कि आपके जो शरीर में यूरिक एसिड होता है वो जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, विशेषकर आपके अंगूठे जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लालिमा सूजन और दर्द बना रहता है, तब दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग पोस्ट ऑपरेटिव डेंटल पेन, कहने का मतलब है मान लीजिए दांत वगैरह जो है किसी ने उखड़वाया है उसके बाद वहाँ पे जो है दर्द है सूजन बनी रहती है, तो उस दर्द और सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्टर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है इसके उपयोग जो कि आपने डिटेल में जाना। अब बात कर लेते हैं भाई इसका डोज कितना चलाया जाता है और कैसे लेना है। तो दोस्तों इस टैबलेट को खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद लिया जा सकता है और दिन में सिर्फ एक ही बार इसको लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भाई इसका डोज कितना लेना है। तो दोस्तों अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है तो उसमें 30 मिलीग्राम दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों इसको जो है 60 मिलीग्राम भी कर सकते हैं डॉक्टर आपकी आवश्यकता के अनुसार। अगली जो कंडीशन है वो है दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस और इंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इसमें 90 mg की टैबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। तीसरा जो है वो है दोस्तों गाउटी अर्थराइटिस, इसमें 120 mg की टैबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है मैक्सिमम 8 दिनों तक। अगला जो है दोस्तों वो है पोस्ट ऑपरेटिव डेंटल पेन, इसमें 90 mg की टैबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है मैक्सिमम 3 दिनों तक। तो दोस्तों ये है इसका डोज, ऐसे लेना रहता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट। तो इसमें साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, मतलब आपका पेट वगैरह डिस्टर्ब हो जाना, ख़राब हो जाना, नोजिया और डायरिया की समस्या हो जाना, पेट में अल्सर क्रिएट होना, या फिर दोस्तों सर में दर्द होना, डिजी महसूस होना, साथ ही आपके स्किन पर रैसेस वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। ये इसके कुछ ही कॉमन साइड इफेक्ट हैं। इसके अलावा या फिर इसमें से आपको कोई भी इसका साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो इस दवाई को नहीं लेना है और आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भाई सावधानियां क्या क्या रखनी है। तो जिन लोगों को इस दवाई से एलर्जी है वो लोग इसका उपयोग ना करें, साथ ही जिनको इस्मिक हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन की समस्या है, डायबिटिक मेलाइटिस है, या जो लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं
या जिन लोगों को किडनी और लीवर से संबंधित कोई गंभीर बीमारी है उस केस में अपने आप से ये दवाई उपयोग नहीं करनी है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो इटोरिकॉक्सिब टैबलेट के बारे में। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।